हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं ESE नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, जिसमें ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसके अगर आपने थियोरी वाली जो वीडियोज हैं, जो ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड सब कुछ समझाया हो, वो चीज़ें अगर आपने नहीं दिखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए देखिए, मैंने 20% तो वीडियो मैंने फ्री रखे हैं, ठीक है, बाकी के सारे वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ पेमेंट करने हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ पेमेंट करिए और इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए, ठीक है, 7359924377, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट, उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आपको इसकी जितने भी वीडियोज हैं, ठीक है, ESE नॉन टेक्निकल है, प्लस इसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अगर आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल होगा, ये टोटल वीडियो, ठीक है, टोटल वीडियोज आपको ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, जो ESE नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि फॉर द गिवन फिगर विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे भी आपने अगर कंप्लीट मेरा वीडियो देखा है तो आपके लिए एकदम आसान होगा। जो ये एरो बना है ना, ये एरो आपको ये एरो दिख रहा है, तो एरो के सामने वाला जो भी आपको व्यू दिखेगा, वो होता है फ्रंट व्यू। यहाँ पे समझा भी देता हूँ आपको, ठीक है, फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। एरो के सामने, जब भी जहाँ एरो बना है उसके सामने वाला जो भी व्यू होगा उसको फ्रंट व्यू या एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। एलिवेशन मतलब ये जो फ्रंट व्यू होता है, ठीक है, फ्रंट व्यू होगा। और इस तरफ से जाके अगर आप व्यू देखते हो इस तरीके से, इस तरफ एरो नहीं बना लेकिन इस तरफ से अगर देखते हो तो जो व्यू दिखता है वो उसका साइड व्यू होता है, ठीक है। और ऊपर से अगर देखते हो या ऊपर से देखते हो तो उसको बोला जाता है टॉप व्यू भी बोला जाता है और प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ फिगर बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन फिगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तीन फिगर में देखोगे तो ये वाला आपको सेप दिखेगा फ्रंट व्यू में और उसके साथ साथ ये भी दिखेगा, ठीक है। आपको अगर देखेंगे तो ये एक दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा फ्रंट व्यू में, तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, देखिए 2 और 1 वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, तो जिसमें आपको देखो इस तरफ से देखोगे तो ये 6 दिखेगा, ये 7 दिखेगा और ये 8 दिखेगा, तो 6 7 8 ये जो होगा वो साइड व्यू होगा। और ऊपर से देखेंगे तो ये 3 दिखेगा, ये 5 दिखेगा, ये 4 दिखेगा, तो 3 दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए और 4 दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये 4 दिखना चाहिए ऊपर से दिखने तो, और 3 दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 दिख रहा है, तो 6 नहीं, ये वाला तो गलत है। तो लेकिन ए और बी को आप बता सकते हो कि ए क्या है, आपका फ्रंट व्यू है और ये बी क्या है, साइड व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से देख ले सकते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया था ए फ्रंट व्यू है, तो ए फ्रंट व्यू में ए में भी बोला है, बी में भी बोला है, ठीक है। लेकिन बी में देखो, बी इसका ऑप्शन इज साइड व्यू, और इसका जो बी ऑप्शन है उसमें बोला है कि सी इज ए साइड व्यू, तो सी साइड व्यू नहीं है, बी साइड व्यू है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो ए हो जाता है, क्योंकि जो फिगर सी बोला है जो टॉप व्यू वो भी नहीं है, ठीक है। बी साइड व्यू बोला है लेकिन सी टॉप व्यू नहीं है, ये चीज़ें तो हमने ये फ्रंट व्यू बोल दिया है और ये साइड व्यू बोल दिया है, तो ये मेरा जो ऑप्शन बोल रहा है वो ए है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन नन ऑफ द बोले तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, एरो एरो के सामने अगर देखोगे तो क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा। तो फ्रंट व्यू में कौन कौन सा दिख रहा है, देखो 2 दिखेगा 1 दिखेगा, ठीक है। और उसका अगर टॉप व्यू में देखोगे तो 3 दिखेगा 4 दिखेगा 5 दिखेगा 6 दिखेगा, ये चीज़ें आपको टॉप व्यू में दिखेगी। और साइड व्यू में देखोगे तो 7 दिखेगा 8 दिखेगा 10 दिखेगा 9 दिखेगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर फ्रंट व्यू में देखना है तो 1 और 2 दिखेगा, 1 और 2 फ्रंट व्यू में, तो 1 और 2 यहाँ पे देख सकते हैं,
ये इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है इस प्रकार से दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये वन और टू, ठीक है, वन और टू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्ट देखना चाहेंगे ना तो एग्जैक्ट में ये लाइन यहाँ पर टच नहीं है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये टच किया हुआ बता रहा है, ठीक है। फिर भी एक तरीके से मतलब वो अप्रॉक्सीमेट वो ड्राइंग तो बता रहा है, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू के जैसा आ जाता है अगर देखेंगे इसको, तो ये वाला जो ऑप्शन बी है, ये जो बी वाला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये बी बनाया है, ये आपका फ्रंट व्यू जैसा दिख तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे बनाया वो उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट सीन इन मार्क डायरेक्शन, तो फ्रंट व्यू दिखेगा, और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, वन और टू दिखेगा, फ्रंट व्यू में वन और टू दिखेगा, तो फ्रंट व्यू सी बताना ना, फिगर विच टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर, टॉप व्यू पूछा है मेरे भाई, ठीक है। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, थ्री दिखेगा, फोर दिखेगा, फाइव दिखेगा, सिक्स दिखेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके का ये थ्री दिखेगा, ठीक है। ऊपर से आप देखोगे तो इस तरीके से बना हुआ, ऐसे करके ऐसे आपको ये सिक्स वाला पार्ट दिखेगा यहाँ से, और फिर बाद में इससे ही जुड़ा हुआ ये यहाँ पर फोर दिखेगा, और यहाँ पर आपको फाइव दिखेगा, तो मतलब थ्री फोर फाइव और सिक्स इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, देखिए ये वाला सी वाला, तो यहाँ पर अगर देखोगे फिगर सी कौन सा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा इसमें मैं समझाने लगूँगा तो ड्राइंग का लेंथ, ये जो वीडियो का है उसका लेंथ बढ़ जाएगा। अगर आपको टोटली अगर अच्छे से समझना है तो आपको मेरे चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा। और उसको देखने के लिए आपको पहले नंबर तो मैंने डेमो लेक्चर्स भी दे के रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। अगर पसंद आता है तो आप 100 रुपीज़ पेमेंट करिए और आपको टोटल वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखा, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए वाला देखो, ए में जो व्यू है, ठीक है, ए का जो व्यू है ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ए का क्या व्यू दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है, ये सिक्स दिखेगा, तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो सिक्स के साथ सेवन दिखेगा, फाइव दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। सिक्स के साथ अगर आप देखोगे तो इस तरीके का व्यू ए वाला जो दिख रहा है, सेवन इस तरीके से दिखेगा, फिर बाद में इस तरीके से ये फाइव वाला दिखेगा, ठीक है, और पीछे मेरे ख्याल से एट होगा, इसलिए एट लिख दिया है पीछे वाले को लेके, ठीक है, और ये सिक्स इस तरीके से दिखेगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट व्यू इसको ए को बोल रहा है तब सही है, ठीक है। बी के लिए क्या बोला है, देखो टू है, वन है और थ्री है, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, सॉरी ये जो बता रहा था ना, ये सिक्स वाला, ये उसका साइड व्यू हो, क्योंकि एरो इस तरफ बता रहा है, तो ये वाला साइड व्यू होगा और ये वाला उसका फ्रंट व्यू होगा। और ये नीचे वाला जो फिगर है, ये नीचे वाला फोर वन फाइव है, तो फोर वन फाइव तो नहीं आएगा, ठीक है। फाइव अगर फोर को देख रहे हो तो उसके व्यू में ये फाइव आपको नहीं दिखेगा, वन ही दिखेगा, ठीक है, फोर दिखेगा, वन दिखेगा, फाइव लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन वन जिस प्रकार से दिखना चाहिए वैसे वन भी दिखेगा, तो ये टॉप व्यू भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखोगे, अगर इसके ऑप्शन में देख रहे हो तो यहाँ पर बोला है कि फिगर सी इज अ फ्रंट व्यू, तो सी तो फ्रंट व्यू है नहीं, फिगर ए इज अ साइड व्यू, तो ए साइड व्यू अगर आप बोल रहे हैं कि ए जो मैंने बताया है ए उसका साइड व्यू है, तो साइड व्यू में तो आ रहा है लेकिन एट नहीं है, इसमें एट दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और ऑप्शन है, जो फिगर बी इज ए फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बी तो फ्रंट व्यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और क्लियर भी है, उसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हो, चौथे क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते हैं, चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है। फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू इज गिवन, देखिए फ्रंट व्यू दिया है, साइड व्यू दिया है, और टॉप व्यू दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो पहला फ्रंट व्यू होना चाहिए, तो ए इसका फ्रंट व्यू बोला है ये फिगर में, देखिए ए वाले जो ऑप्शन है उसमें ए फ्रंट व्यू, तो ए फ्रंट व्यू है क्या, पहले तो वही देख लेते हैं। ए को देखोगे तो ये डी और ई है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, क्योंकि एरो इस तरफ बताया है,
ठीक है, एरो जो है इस तरफ बताया, तो इसके सामने जो भी व्यू दिखेगा वो फ्रंट व्यू होगा, तो ये फ्रंट व्यू तो है, ठीक है। तो ए फ्रंट व्यू में पहला फिगर ए, ए में भी बताया है और सी में भी बताया है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है, वी दूसरा क्या बोला, इसमें साइड व्यू, साइड व्यू देख लेते हैं, ठीक है। साइड व्यू में बी और सी से ही डिफाइन हो जाएगा। देखो साइड व्यू में अगर देखोगे ना तो सी और एफ दिखेगा, सी और एफ दिखेगा, तो सी और एफ दिख रहा है बी में, ऑब्वियसली दिख रहा है, ठीक है, बी में ये सी और एफ दिख रहा है। लेकिन जो यहाँ पे सी वाला जो फिगर है उसमें देखिए साइड व्यू में सी और एफ नहीं दिख रहा है, वो टॉप व्यू को बता रहा है, तो सी टॉप व्यू मतलब तीसरे ऑप्शन पे आना चाहिए। तो ए वाला जो आपका है आंसर वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए जो है आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पहला इसका फ्रंट व्यू बोला है, दूसरा साइड व्यू और तीसरा टॉप व्यू, तो ये इस प्रकार से फिगर जो इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इन द गिवन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट फिगर सी रिप्रेजेंट, फिगर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिगर सी को ही यहाँ पर सिर्फ देखना, सिर्फ सी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वही चीज़ तो बताना है। यहाँ पे सी देखो, सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या दिख रहा है, थ्री दिख रहा है ना, तो थ्री उसका टॉप व्यू है, थ्री टॉप से ही देखोगे तभी दिखेगा, सी को ही बोला है रिप्रेजेंट करने, फिगर सी को ही देखने के लिए इसको ही देखना है, ठीक है। ये ए और बी तो फालतू में बना दिए हैं, बना ही दिया ना, क्योंकि इसने तो क्वेश्चन में ही बोला है कि सी को देखो, फिगर सी क्या बता रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही बताओ, तो ए और बी तो बना दिया फालतू में, उसको देखना ही जब नहीं है, ठीक है, फिगर सी को बोला है देखने के लिए, इसको ही बोलना है देखने के लिए, तो इसको ही देख लेते हैं। थ्री दिख रहा है, फिर फोर, ये वाला पार्ट में देखो ये फोर दिख रहा है, ऊपर से दिखोगे तो ये ऊपर थ्री दिख रहा है, तो फोर और थ्री वन, वन भी दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये कौन सा है, टॉप व्यू आएगा, टॉप व्यू, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, टॉप व्यू सी आंसर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टॉप व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, अगर छठे क्वेश्चन को देखोगे तो क्या बोला है, इन द गिवन प्रोजेक्शन फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सी से कोई लेना देना नहीं है, सी फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ए और बी को ही बोला है देखने के लिए, तो ए फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि नाइन की बात कर रहा ना, तो यहाँ से, और ये एरो इधर बताया है, एरो इधर बताया है, मतलब ये नाइन तो इधर से देखोगे तभी दिखेगा, इधर से देखोगे तो ये साइड व्यू होगा, ठीक है, तो नाइन, फिर बाद में एट दिखेगा, फिर सेवन दिखेगा, और इधर का ये टेन भी दिखेगा, तो देखिए एकदम एग्जैक्ट वही दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया, मतलब ए आपका साइड व्यू बता रहा है और बी क्या बता रहा है, देखिए टू किधर से दिख रहा है, ऊपर से देखोगे तभी टू दिखेगा, वन, वन तो आएगा ही नहीं, वन टू, अच्छा इधर से भी देखोगे फ्रंट व्यू में भी तो टू दिखेगा, वन भी दिखेगा, थ्री भी दिखेगा, तो आपको अगर फ्रंट व्यू में देखोगे तो टू, वन और थ्री इस तरीके से दिखेगा, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, मतलब साइड व्यू फ्रंट व्यू, साइड व्यू फ्रंट व्यू, तो साइड व्यू फ्रंट व्यू ए ही है, तो ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर द गिवन वी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब यहाँ पर उनका बनाया है ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी में देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर ए गिव साइड व्यू, तो यही चीज़ देख लेते हैं, फिगर ए ऑप्शन इसमें देख के चलोगे ना तो बड़ा आसानी से कर सकते हो, देखिए मुझे वो चीज़ें भी आइडिया मिल रही है, ऑप्शन देखो फिगर ए इज गिव साइड व्यू, ए को देखो साइड व्यू है क्या, इधर से देखोगे तो ए आना चाहिए, तो एट नीचे फिर सेवन फिर सिक्स आ रहा, तो ये साइड व्यू है, ठीक है, और पहले ही जब बोल दिया कि साइड व्यू है तो इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे बाकी तो रॉन्ग ही होंगे, ठीक है, बाकी अगर देखोगे, चलो दूसरा भी देख लेते हैं, फिगर बी जो बोल रहा है ध्यान से समझना, फिगर बी गिव्स फ्रंट व्यू, फिगर बी में देखो थ्री दिखेगा, टू दिखेगा, वन दिखेगा, ठीक है, थ्री टू वन सही है, ये भी सही है, फिर बाद में सी को देख लेते हैं, फिगर सी जो बोल रहा है, फिगर सी गिव्स टॉप व्यू, फिगर सी जो है वो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में फोर और ये टू सेवन दिखेगा, यहाँ पे थ्री फाइव दिखेगा, थ्री फाइव सब दिख रहा है, तो ये सही है, मतलब तीनों सही है, तो ये नीचे वाला डी ऑप्शन इज द ऑल करेक्ट वाला हो जाएगा, ऑल जितने भी दिए हैं सब करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एट नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच ऑफ द व्यू विच वन ऑफ द व्यू शोज फ्रंट व्यू, अब फ्रंट व्यू क्या शो करेगा, देखो एरो इधर बताया है,
एरो अगर देखोगे तो यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, देखो ये दो लाइन दिखनी चाहिए, फिर उसके बाद से ये यहाँ पर इस तरीके से ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, ऐसे वाला पार्ट दिखना चाहिए और ये वाला इसे टच होना हो, यही तो फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑप्शन में ही दिख रहा है, बाकी वैसे एम बना हुआ ऑप्शन तो किसी में नहीं दिख रहा है, तो ए वाला क्या है करेक्ट ऑप्शन है, तो फिगर ए इज द राइट आंसर। तो फिगर ए यहाँ पे अगर देखोगे, फ्रंट व्यू बोला है ना, सोच फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, तो एरो यहाँ पे बताया तो फ्रंट व्यू तो यही होगा, और यहाँ पे फिगर ए दिखा रहा है, ठीक है। फ्रंट व्यू अगर देखोगे, अगर एरो ये बताया है यहाँ पर, तो फिगर ए आ रहा है, ठीक है। और फिगर ए कौन बता रहा है, यहाँ पे बी में बता रहा है, बी ऑप्शन बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिगर ए को, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू बोला है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये चीज़ें देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट फिगर ए रिप्रेजेंट, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बी को तो देखना ही नहीं है, ए को ही सिर्फ देखो, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर ए उसको देखो, तो ए को देखोगे तो किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट सीधी लाइन दिख रही है और इधर से ये सीधी लाइन दिख रही है और इस तरीके से ये बना हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो आपको ये लाइन कब रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, जब इसके अंदर कोई सर्कल आता हो, तो इसके अंदर तो कोई सर्कल दिख ही नहीं रहा है और ये वाला पॉइंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, अगर इस तरफ से देखते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें भी नहीं इसमें रिप्रेजेंट हो रही है, और किधर से भी देखोगे तो ये ऐसा सिंबल नहीं दिख रहा है, ऐसा है ये ऐसा बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसमें ना टॉप व्यू में आता है ना साइड व्यू, तो ये नन में आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट फिगर बी गिव्स, तो फिगर बी क्या दे रहा है, देखो ये फिगर बी की बात कर रहा है, तो ये बी कब आएगा, देखो इसमें सर्कल कब बनाएगा, जब इधर से आप देखोगे तब ये सर्कल दिखेगा, नहीं तो यहाँ से देखोगे तो भी ये सर्कल नहीं दिखेगा, एक सिंपल सा लाइनिंग बना हुआ दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो है तो सर्कल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपको ये कटा हुआ पार्ट, ये तो यहाँ पर इसको ऐसे कटा हुआ रहना चाहिए, यहाँ पर अगर देखोगे, नहीं चलो ये सीधी लाइन दिखेगी, नहीं कटा हुआ रहेगा, ये सीधी लाइन दिखेगी, ये पूरी लाइन यहाँ देखो, एक नीचे से छोड़ के ये पूरा ऊपर तक है, ये वाला अगर मैं पार्ट को बताऊँ, यहाँ से ये पूरा ऊपर तक है, तो यहाँ पूरा ऊपर तक तो बता ही नहीं रहा है, और जब बता नहीं रहा है तो कोई इसमें ऑप्शन नहीं होगा, नन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बाद में कितने मिनट हो गए, चीज़ें देख लेते हैं, 18 मिनट हो गए, तो ये 10 क्वेश्चन मैंने बताया है, ये 10 क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, कि ताकि आपके लिए आसान हो सके, ईजी हो सके, देखते रहिए, अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।